संत हिरदाराम नगर में अयप्पा मंदिर सेवा समिति ने उत्तर प्रदेश जा रहे श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की। समिति के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन से जा रहे श्रमिकों को भोजन के पैकेट बांटे और जरूरी सामान दिए। संत हिरदाराम नगर में अयप्पा मंदिर समिति द्वारा श्रमिकों की लगातार सहायता की जा रही है। समिति के कार्यकर्ताओं ने स्पेशल ट्रेन से जा रहे श्रमिकों को भोजन के पैकेट बांटे और उनको जरूरी सामान दिया। समिति के सदस्य लगातार 66 दिनों से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। लॉकडाउन से प्रभावितों को भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य समिति के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। समिति का कहना है कि पीएम मोदी की अपील पर यह सब सेवा कार्य किया जा रहा है। संकट के इस समय समिति अपनी पूरी क्षमता से लोगों की मदद में जुटा हुआ है। 24 मार्च से जरूरतमंद लोगों को भोजन बनाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हमको जब रेलवे प्रशासन की ओर से आग्रह प्राप्त हुआ कि रेल स्टेशन पर से गुजरने वाली श्रमिक विशेष ट्रेनों को भी यदि संभव हो सके तो भोजन उपलब्ध करा दें, तो हम लोगों ने इस पर विचार किया। हम सारी पूरी टीम ने मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके आह्वान पर जिस प्रकार से पूरे देश में श्रमिकों की सहायता के लिए लोग आगे आए, भोजन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था करी, हम लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। और शिवराज सिंह जी ने हमको निर्देशित किया कि जब तक आपसे बन सकता है तब तक आप जो श्रमिकों की और अन्य जरूरतमंदों की सेवा करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।